आज हम संस्कृत भाषा में व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यंजन जो होते हैं उनके साथ में स्वर होते हैं और उनका स्वरों का जो है मेल होता है। मेल होने के बाद में उसमें शब्द जो है वो वास्तविक व्यंजन शब्द बनता है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है के प्लस ए बराबर के, अर्थात के जो है उसमें अपने आप में जो है एक छिपा हुआ है। कोई भी जो व्यंजन होते हैं जैसे के है तो के में ए छिपा हुआ है, च है तो च में ए छिपा हुआ है, छ है तो छ में ए छिपा हुआ है, ऐसे ख है तो ख में ए छिपा हुआ है। यानी सारे जो भी व्यंजन होते हैं उनमें ए की मात्रा जो है वो अपने आप में छिपी होती है, ए छिपा हुआ होता है और उसी कारण वो व्यंजन जो है सही व्यंजन बनता है, नहीं वो व्यंजन पूरा व्यंजन नहीं माना जाता है, उसमें स्वर जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है हम आगे शब्दों के अनुसार पढ़ रहे हैं। जैसे कि के प्लस आ बराबर का, के अंतर्गत आ मिल गया तो वह शब्द क्या बन गया, का बन गया। इसी प्रकार के प्लस ई बराबर छोटी ई की मात्रा, यानी इसमें ई मिल गई, यहाँ से के आधा था इसमें छोटी ई की मात्रा मिल गई तो ये की हो गया। इसी प्रकार से आइए के प्लस बड़ी की मात्रा है तो के में बड़ी की मात्रा मिलती जो है वो व्यंजन क्या बन गया, की बन गया, की बड़ी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की थी यहाँ पर बड़ी की हो गई। ठीक इसी प्रकार से आगे जो है के प्लस ई के प्लस ऊ छोटा ऊ तो वो स्वर क्या बन गया, ऊ बन गया। इसी प्रकार से के प्लस बड़ा ऊ तो ये बन गया ऊ। इस प्रकार से आगे जो है ये शब्द की जो है इस प्रकार रचना होती है, यानी ऊ की मात्रा बड़ी आ गई। इसमें भी जो है जो भी मात्राएं आती हैं वो स्वर होते हैं जैसे ए आ ई ऊ री बड़ी री ए आई ओ औ, इस प्रकार से उसके अनुसार जो है इसकी व्यंजनों की जो है रचना होती है, यानी उसमें स्वर जो होते हैं वो इसके साथ साथ में मिले हुए होते हैं। तो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि जैसे के प्लस री बराबर क्री, ये शब्द जो है वो बनता है क्री, के प्लस री बराबर क्री। फिर के प्लस बड़ी री, ये बड़ी री की मात्रा है तो इसका क्री इस प्रकार से शब्द बनता है क्री, तो ये इस प्रकार से इसकी रचना होती है। फिर के प्लस द्री, द्री जो है उसको भी संस्कृत में स्वर माना गया है द्री, लेकिन नीचे री की मात्रा द्री तो इसको भी स्वर माना गया है, के प्लस द्री के द्री इस प्रकार से, यानी के आधा है तो इसमें मिला नहीं है द्री में, इसलिए के द्री के आधा का दही गया। इसके बाद में के प्लस ए बराबर की, इस प्रकार से इस शब्द की रचना होती है। फिर इसके बाद में के प्लस ए तो इसका के बन गया, के प्लस आई इसमें कई बन गया, के प्लस आई बराबर कई शब्द बन गया। इसके बाद में है के प्लस ओ बराबर को, फिर यानी ये के आता है ओ की मात्रा बन गई तो ओ। इसके बाद में के प्लस ओ बराबर तो, इस प्रकार से इन शब्दों की जो है वो रचना होती है। तो हम इसको जो है वापिस एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से शब्द बनते हैं, किस प्रकार से उसकी रचना होती है। ये तो अपने पास में के की मात्रा जो थी के वाली लाइन, जैसे के है का है की है कू है के कई को कऊपन कई, इस प्रकार से तो वैसे होगी। अब अपन इसी को चय के अनुसार मान ही लेते हैं, तो चय जैसे मान लीजिए के की जगह चय जाता है तो चय बन जाता है, फिर चय के आगे आ लग जाता है चा बन जाता है, चय के आगे छोटी की मात्रा लग जाती है तो ची बन जाता है, ऐसे चय के आगे बड़ी की मात्रा लग जाती है ची बन जाता है, ऐसे चय के आगे छोटी की मात्रा लग जाती है चू, ऐसे चय के आगे बड़े की मात्रा लग जाती है तो चू हो जाता है, फिर चय के री की मात्रा लग जाती है तो थ्री हो जाता है, फिर चय के बड़ी की मात्रा लग जाती है तो थ्री इस प्रकार से हो जाता है, चय के बड़ी की मात्रा लग जाती है इस प्रकार से हो जाता है, फिर इसमें यहाँ पर चय की मात्रा लग जाती है चे हो जाता है, यहाँ पर चय की लग जाती है इसकी के साथ चय हो जाता है, यहाँ पर चय के आगे ऊ की लग जाती है चो हो जाता है, फिर चय के आगे ऊ की लग जाती है चो हो जाता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से वो जो है जैसे टै की मात्रा है तो उसी के अनुसार वो लग जाती है, ऐसे ही जैसे खै की अपन ने लगा ली क है फिर खै की लगती है तो खै की भी वैसे हो जाती है। यानी सारी जो है स्वर जो होते हैं जैसे वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, उन 13 स्वरों के अनुसार ही जो है इनका निर्माण होता है, यानी व्यंजनों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए अपन जैसे ख
खे के लगाना चाहिए तो ये खे के लग जाती है। जैसे यहाँ पर खे प्लस है तो खे हो जाता है, फिर खे प्लस था हो जाता है, फिर खे प्लस छोटी की मात्रा खी हो जाती है, फिर खे प्लस बड़ी की मात्रा खी हो जाती है, फिर खे प्लस छोटे की मात्रा हो जाती है, खे प्लस बड़े की मात्रा हो जाती है, फिर खे प्लस बी की मात्रा खरी हो जाती है, खे प्लस बड़ी की मात्रा खरी इस प्रकार से हो जाती है, फिर खे प्लस ए की मात्रा खे हो जाती है, खे प्लस ए की मात्रा खई हो जाती है, फिर खे प्लस ओ की मात्रा खऊ हो जाता है, फिर खे प्लस ओ खऊ, खे प्लस ओ खो, खे प्लस औ खऊ, इस प्रकार से इसकी जो है शब्दों की रचना जो है वो होती है, यानी वर्णों की रचना होती है। वर्णों में ये व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के साथ में इस प्रकार से इनका जो है वर्ण जो है वो विच्छेद और वर्ण विच्छेद वापिस अपन जोड़ेंगे। जैसे इस कै को है कै प्लस ए तो कै हो गया, इसका वापिस वर्ण विच्छेद करते हैं तो इनमें से कै प्लस ए निकलता है। इसी प्रकार से काका वर्ण विच्छेद करते हैं तो कै प्लस आ निकल जाता है, कीका करते हैं तो कै प्लस ई हो जाता है, इस प्रकार से वापिस उसमें से वो निकाल देते हैं सब, तो वो अलग उसकी रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इनको एक बार वापिस अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो कठिन चीज़ें होती हैं उनको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई शब्द मान लीजिए आपके नहीं समझ में आया है बोलने में, जैसे मान लीजिए आवाज़ धीरे आ रही है आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो अपन इसको वापिस रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर पूरे संस्कृत के शब्द जो होते हैं उनकी रचना वर्ण विन्यास जो होता है वो इसी के ऊपर जो है आधारित होता है, उसमें शब्द बदल जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कै का कै हो जाता है, उसकी जगह खे कर देते हैं, फिर आगे गै आता है तो गै के अनुसार उसका जो है वर्ण का निर्माण हो जाता है, है ना, फिर घय होता है तो उसके अनुसार उसमें स्वर लग जाते हैं तो उसके अनुसार व्यंजनों का निर्माण हो जाता है, फिर घय होता है तो उसके अनुसार हो जाता है, अड होता है तो उसके अनुसार, इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में ये सारे इसी प्रकार से जो है होते हैं। तो इसका अपन वापिस रिवाइज करते हैं, तो वापिस रिवाइज करेंगे कै प्लस ए बराबर जैसे कै हो गया, है ना, कै प्लस आ इसका का हो गया, कै प्लस छोटी की मात्रा की हो गया, फिर कै प्लस बड़ी की मात्रा की हो गया, बड़ी की मात्रा लग गई इसके साथ साथ में, तो इसी प्रकार से आगे हम बोल देते हैं जैसे कै प्लस ऊ बराबर छोटा कू हो गया, फिर कै प्लस बड़ा ऊ बराबर कू, इस प्रकार से जो है इन शब्दों की जो है रचना वो होती है। फिर इसके बाद में कै प्लस डी की मात्रा क्री हो गया, इसके बाद में कै प्लस बड़ी की मात्रा क्री हो गया, इसके बाद में कै प्लस डी के ली, यानी ये जो है कै इसमें मिलता नहीं है, ली में ली स्वर जो है उसमें मिलता नहीं है, इसलिए कै अलग हो गया, आधा आ गया, यानी यहाँ पर लड़का और अलग में ली मिल गया तो कैलरी इस प्रकार शब्द बनता है। फिर कै प्लस ए तो इसका क्या हो गया, कै प्लस ए का एका की हो गया, इसी प्रकार से कै प्लस आई कई हो गया, यानी ए की मात्रा थी यहाँ पर आई की मात्रा वो कह के लगी कई हो गया, इसी प्रकार से जो है इन शब्दों की रचना हम करते हैं। फिर इसके बाद से आगे ये देखते हैं कि के प्लस ओ बराबर ओ, इस प्रकार से बन गया, अब के प्लस औ है तो कऊ हो गया, तो इस प्रकार से शब्दों की जो है वर्णों की रचना व्यंजनों की रचना जो है वो होती है। तो इसी के अनुसार अपन जैसे देखते हैं कि और भी जैसे आगे वर्ण विन्यास आता है, इस टॉपिक को हम आगे विस्तार से वर्ण विन्यास के अंतर्गत लेते हैं, वर्ण विन्यास यानी वर्णों का जो है विच्छेद करके उसको लिखना, जैसे उसमें आ जाता है काम तो के प्लस आ प्लस मै प्लस ए, इस प्रकार से उसकी रचना होती है वो अपन वर्ण विन्यास के अंतर्गत लेते हैं। तो वर्ण विन्यास के अंतर्गत वो हम अपन टॉपिक जो है आगे अगली कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इनको जो है अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके हिसाब से जो है ये सारे वर्णों का जो है जो सारे व्यंजन जो है उनका निर्माण होता है, इन्हीं के ऊपर जो है टिका हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो है इसके स्वर आ रहे हैं सारे, एक तरफ स्वर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उसके व्यंजन आ रहे हैं, किसी कह वाली लाइन चलती है वाली चलती है गह वाली चलती है कोई सी लाइन चलती है उसका जो है इस प्रकार से जो है वो शब्दों का निर्माण होता है। तो इनको हमें अच्छी तरह से वापिस याद भी कर लेना है, समझ लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है कि किस प्रकार से इनका जो है वर्ण जो होते हैं उनका निर्माण होता है, व्यंजनों का निर्माण होता है, किस प्रकार से उसमें से अपन स्वर निकालते हैं तो स्वर निकालने के बाद वो शब्द कैसा बन जाता है, अलग करते हैं तो स्वर निकालते वो शब्द अलग हो जाता है, अलग होते जो है वो हलंत माना जाता है, यानी जैसे इसमें से क्री है तो इसमें से कै अलग निकाल लिया, क्री में से
तो के अली निकाल दी के आधा हो गए। इसी प्रकार से ओम में भी इसमें जैसे मान लीजिए सभी में ऐसे ही होता है के इस को में से ओ अलग निकाले ओ स्वर तो ये क्या बन गया जैसे के अलग हो गया ओ हो गया। इस प्रकार से इसकी रचना होती है। अब आगे हम इसको विस्तार से वर्ण विन्यास के अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।